नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। मध्य प्रदेश के इंदौर आई हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 11 मरीजों की आंखों के साथ खिलवाड़ कर उनकी रोशनी छीन लेने वाले इंदौर आई हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने दिए हैं। हॉस्पिटल में 11 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। कुछ मरीजों को एक आंख से तो कुछ मरीजों को दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। ये सभी मरीज 8 अगस्त को राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उसी दिन इनके ऑपरेशन हुए। अगले दिन आंखों में दवाई डालने के बाद इन्फेक्शन हुआ और मरीजों ने हंगामा शुरू किया। कई मरीज रोने लगे। डॉक्टरों ने चेक किया तो बोले हमें सब कुछ सफेद दिख रहा है। कुछ ने बताया कि उन्हें सिर्फ काली छाया दिखाई दे रही है। जाँच के बाद डॉक्टरों ने माना कि इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन वह यह नहीं बता सके कि इसकी क्या वजह है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने घटना के बाद हॉस्पिटल का ओटी सील कर दिया है। यहां आंखों के ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी गई है। जांच के कारण स्पष्ट होने पर बड़ी कार्यवाही की बात कही जा रही है। अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर महाशब्दे ने बताया कि संक्रमण का कारण अब तक पता नहीं चला है। अन्य विशेषज्ञ भी जाँच कर चुके हैं, सैंपल भी जाँच के लिए भिजवाए गए हैं। फुटबॉल खिलाड़ी रहे मनोहर हररोज की बाई आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब दवाई डाली तो उस आंख से दिखना बंद हो गया। एक दिन के ऑपरेशन के लिए अस्पताल आए मनोहर को यहां 10 दिन हो गए। पूरे दिन बिस्तर पर ही रहते हैं। धार जिले की आहुल निवासी रामी बाई हर रोज आती है। उन्हें दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। एक बेटा है, उसने कह दिया है कि जब आंख ठीक हो तभी घर आना। अब घर जाना चाहती है पर लापरवाही से लाचार हो गई है। आपको बता दें कि इंदौर आई हॉस्पिटल में दिसंबर 2010 में भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेल हो गए थे, जिसमें 18 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इस पर तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर शरद पंडित ने संबंधित डॉक्टर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की। 24 जनवरी 2011 को अस्पताल को मोतियाबिंद ऑपरेशन व शिविर के लिए प्रतिबंधित कर दिया। ओटी के उपकरण, दवाइयाँ, फ्लूड के सैंपल जाँच के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज की माइक्रो बायोलॉजी लैब भिजवा दिए गए। इसके बाद शिविरों के लिए सीएमएचओ की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई। कुछ महीने बाद अस्पताल पर पाबंदियां रही, फिर इन्हें शिथिल कर दिया गया। 2015 में बड़वानी में भी इसी तरह से घटना में 60 से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। पति पत्नी दोनों ने ऑपरेशन करवाए, दोनों को दिखना बंद हो गया। सबसे बुरी हालात सिरपुर निवासी बुजुर्ग दंपत्ति कैलाश और कालावती की है। दोनों ने बाई आंख का ऑपरेशन करवा लिया, अब देख नहीं पा रहे हैं। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। एक दूसरे का आसरा बने हुए हैं, पर चिंता यह सता रही है कि रोशनी वापस लौटेगी कि नहीं। कान भी नहीं दिखे, एक आन में भी पहला से मारी माता मान चली थी। एक आन थी, मैंने क्या था सो समन के करना न तो नहीं करना कृष्ण की निन्नी भाई मतिया भी पक गया। अभी देख रहा कि नहीं, कुछ नहीं दिख रहा कहीं, कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? आहू धार के। क्या नाम आपका? रामी भाई। ठीक है अम्मा, बहुत परेशान। कोई भी नहीं है संभालने वाले, कोई भी नहीं है आपका संभालने वाले। दादा भी ये चश्मा लगा दो, चश्मा लगा दो। क्या हुआ आपके साथ? बताया ना, ऑपरेशन कराने आए थे यहाँ पे। ऑपरेशन हुआ, उसमें कुछ दिख नहीं रहा। क्या हुआ? ऑपरेशन के बाद में दिख रहा नहीं यार। ऑपरेशन के बाद भी नहीं दिख रहा है? ऑपरेशन कर रहा था आपका, आप पानी गया ना, पानी नहीं घूम गया। अच्छा, एक दिन दो दिन पानी गया। अच्छा अच्छा, नाम बता देना आपका। हरबाज दास। ऑपरेशन कराया था तो दिख कम रही है। दिख कम रहा है ऑपरेशन के बाद भी? किन्ने करा था ऑपरेशन? क्या मालूम। क्या नाम आपका? क्यों नहीं दिख रहा? ऑपरेशन हुआ था ना। एक प्राइवेट हॉस्पिटल की घटना है और इस घटना को मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में गंभीरता से लिया है। सारे जितने भी हमारे घाट पर के पीड़ित लोग हैं उनको चोइतराम हॉस्पिटल इंदौर के में रिफर किया गया है। सारे की पहली प्राथमिकता आंखें कैसे बचे और दूसरा उनको 50,000 रुपया पर परिवार को मुआवजे के तौर पे कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। इलाज भी सरकार कराएगी और साथ ही जिस हॉस्पिटल में घटना हुई उसके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और ओपीडी को चूँकि कार्रवाई करनी सील कर दी गई है। कोई
लापरवाही की सजा जो कानून संबद्ध मिलनी चाहिए मिलेगी। किसी भी परिवार के व्यक्ति की आंखें चली जाए और इतनी लापरवाही हो उन हॉस्पिटलों को, मैं समझता हूँ कि ये सरकार कमलनाथ की सरकार है। रामेश्वर जी को हमने जिस दिन हमें संज्ञान में आया, मैं धन्यवाद देता हूँ एक अखबार और टीवी और पत्रकार जगत का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके जरिए मुझे संज्ञान में ये बात आई। मुझे जैसे ही पता चला उसके 20 मिनट के पहले मैंने रामेश्वर से संपर्क करके उनसे अनुरोध किया कि आप आओ, सरकार आपके दोनों हाथों से खुला करके आपका सहयोग करना चाहती है, आप देश के असेट्स हैं। मैं समझता हूँ उनको हमने बुलाया है, पर साथ ही आज मुझे शिवराज सिंह जी का ट्वीट के पार्ट से पता चला कि उन्होंने भी कुछ अपने विचार रखे हैं। उनके विचार मध्य प्रदेश से प्रेम के, मध्य प्रदेश में के जनता मेरी भगवान है, वो संदर्भ के मध्य प्रदेश हर स्थान पर प्रथम आए इस भाव के उन्होंने मुझे या हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई राय नहीं दी, सीधे रिजिजू जी को दी। तो मैं समझता हूँ उनका विचार हो सकता है अच्छा है, पर मध्य प्रदेश का रामेश्वर कहीं भी उसको सहायता मिले मिलना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।